चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले एक्टर पवन सिंह का जन्मदिन है और आज इस दिन काफी सारी बातें जो है, काफी सारी खबरें जो है वो पवन सिंह को लेकर आ रही हैं। उनकी तमाम फिल्में, उनके गाने, उनकी रियल लाइफ, उनकी रील लाइफ और भी तमाम तरह की चीजें, और कई सारे स्टार्स ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की खबरें भी वायरल हो रही हैं और साथ ही साथ बिहार और पूर्वांचल में भी ढेर सारी बातें सामने आती हैं और तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है। तो दोस्तों, इस खास प्रोग्राम टॉप न्यूज में मैं आप सभी के लिए वो सारी खबरें लेकर आती हूँ जो कि इन दिनों खास कर टॉप पर है और हर कोई इन सभी खबरों पर बड़ी ही बारीकी से नजरें बनाए हुआ है। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए नजरें डालते हैं उन खास खबरों पर और देखते हैं कि क्या कुछ खबरें इन दिनों टॉप में हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान जहां उनके फैंस ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी, तो फिल्म क्रैक फाइटर की शूटिंग जहां पर चल रही है वहां पर सभी लोगों ने और उनके फ्रेंड्स ने भी उन्हें अनोखे तरीके से जन्मदिन का सरप्राइज दिया। काजल राघवानी और निरहुआ और आम्रपाली ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही साथ हाल ही में लुलिया गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस निधि झा ने भी उन्हें अपने ही अंदाज में बधाई दी। उन्होंने उनके साथ एक फोटो शेयर की जिसमें लुलिया गर्ल रेड कलर के खूबसूरत गाउन में नजर आई और साथ ही पवन सिंह के काफी करीब दिखाई दी और उन्होंने उनके साथ ये फोटो शेयर करके पवन सिंह के लिए कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे पवन सिंह ठाकुर जी। लुलिया गर्ल निधि झा रातों रात तब स्टार बन गई थी जब पवन सिंह का गाना आया था लुलिया का मांगेले, और आज भी निधि को लुलिया गर्ल के नाम से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में और उनके फैंस जानते हैं। इन दिनों भोजपुरी के उभरते हुए स्टार यश कुमार मिश्रा अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में रहते हैं और हाल ही में उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो रानी चटर्जी के साथ शरारत करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस वीडियो में वो रानी पर इशारे करते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही उनके एक और शख्स मौजूद हैं। ऐसे में रानी पीछे मुड़ती हैं और उनके दोस्त पर थप्पड़ों की बरसात कर देती हैं। बता दें कि ये वीडियो टिकटॉक ऐप के जरिए बनाई गई है जिसमें ये तीनों ही मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि इन दिनों सिर्फ रानी और यश कुमार ही नहीं बल्कि भोजपुरी के लगभग सभी स्टार्स टिकटॉक पर अपनी फनी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं जो कि उनके फैंस को काफी पसंद आता है। इन दिनों भोजपुरी में यूं तो हर जगह पवन खेसारी के नाम का डंका बजता है और साथ ही निरहुआ आम्रपाली भी अपनी बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं, लेकिन अगर बात की जाए भोजपुरी के मेगा स्टार कहे जाने वाले एक्टर रवि किशन की, तो जहां वो भोजपुरी में अपनी खास पहचान बना चुके हैं, तो वहीं बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड यानी कि भारत की लगभग सभी फिल्म इंडस्ट्रीज में वो अपनी एक्टिंग और दमदार डायलॉग के बल पर अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। वहीं हाल ही में उनसे जुड़ी एक खास खबर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में उनकी फिल्म चैंपियन के सेट से एक फोटो सामने आई है जिसमें रवि किशन फिल्म की खूबसूरत और स्टाइलिश एक्ट्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रवि किशन की फिल्म के गानों की शूटिंग चल रही है जो कि जल्द ही सोशल मीडिया पर रिलीज की जाएंगी। तो वहीं उनकी फिल्म चैंपियन का ट्रेलर भी जल्द ही सोशल मीडिया पर रिलीज किया जाएगा। अब ये देखना भी काफी मजेदार होगा कि रवि किशन का ये गाना और साथ ही साथ ये फिल्म का ट्रेलर लोगों को कितना पसंद आता है और रवि किशन के इस फिल्म को लोगों का कितना प्यार मिलता है। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की फिल्में आ रही हैं और हाल ही में एक ऐसी फिल्म का नाम सामने आया है जिसकी कहानी सबसे अलग बताई जा रही है। बता दें कि इस फिल्म की कहानी को लेकर कहा जा रहा है कि प्रेम युद्ध एक अनोखी प्रेम कहानी है जो आम जिंदगी में लोगों की कहानी से मेल खाती है, लेकिन ये एकदम नई है। इस फिल्म के गाने को आलोक कुमार, मनोज मिश्रा, पामेला जैन, खुशबू जैन, इंदु सोनाली और प्रियंका सिंह ने अपने खूबसूरत आवाज में रिकॉर्ड कराया है। वहीं बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग 12 जनवरी से शुरू की जाएगी।
जो कि आर एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई जा रही है। अब फिल्म की बात सुनकर तो यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म सुपर हिट होने वाली है 2019 में, लेकिन ये देखना भी मजेदार होगा कि फिल्म भोजपुरिया दर्शकों को कितनी पसंद आती है और ये फिल्म पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और निरहुआ जैसे सुपरस्टार्स की फिल्मों को टक्कर दे पाती है या नहीं। इन दिनों भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेस रानी चटर्जी और अंजना सिंह फिल्म छुटकी ठकुराइन की शूटिंग में बिजी हैं और साथ ही इन दिनों दोनों की सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें रानी चटर्जी और अंजना सिंह एक दूसरे के साथ काफी खुश और काफी क्लोज दिखाई दे रही हैं। बता दें कि अंजना सिंह ने ये फोटो शेयर की है, लेकिन इससे पहले रानी चटर्जी ने भी कुछ ऐसी ही फोटो शेयर की थी। वहीं इससे पहले ये दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर चुकी हैं और दोनों ही भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। वहीं इन दोनों की ये फोटोज देखकर तो साफ है कि रानी और अंजना के बीच काफी खास रिश्ता है और साथ ही दोनों के बीच जिस तरह का बॉन्ड देखने को मिलता है मानो दोनों बहने हो। लेकिन इन दोनों के बीच जो भी खास रिश्ता है वो इस फोटो में तो है ही, लेकिन रियल लाइफ में इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता है ये तो रानी और अंजना ही जाने। रिपीट। बिहार राज्य में इन दिनों तो तरह तरह की बातें सामने आती और बिहार अपनी कई बातों को लेकर, तरक्की को लेकर हमेशा सामने आता है और साथ ही साथ तरह तरह की बातें देखने को मिलती हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और साथ ही साथ बिहार में इन दिनों काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर शायद आप भी भौचक्के रह जाएंगे। बता दें आपको कि पूरा बिहार इस दौरान किसी बीमारी के चपेट में आ गया है। जी हाँ, ये खास बीमारी बर्ड फ्लू बताई जा रही है। बता दें आपको कि पटना का चिड़ियाघर पिछले कुछ दिनों से बंद है, तो हाल ही में पटना में पक्षियों के मरने की संख्या भी बढ़ चुकी है, जिस वजह से हर कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि पटना में बर्ड फ्लू फैल चुका है और बर्ड फ्लू का खौफ हर तरफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। बता दें आपको कि हाल ही में पटना से एक टीम पहुंची मुंगेर और वहां पर उन्हें 1000 से ज्यादा पक्षियों को मारना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि इस बीमारी से लोगों को बचा सके और साथ ही साथ ये बीमारी दूसरों तक ना फैले। बता दें आपको कि पिछले दिनों पटना के जू में भी कुछ ऐसी ही शिकायत थी और ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ पर 2-3 मोर भी बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए थे और इस वजह से चिड़ियाघर को बंद करना पड़ा। लेकिन अब ये बर्ड फ्लू ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे पटना में फैल गया है, लेकिन फिलहाल इस बात की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है कि फिलहाल ये बीमारी बर्ड फ्लू है जिसकी वजह से पक्षियों के मरने की तादाद बढ़ती जा रही है या फिर कोई और बीमारी है। चारा घोटाला में सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू यादव की जमानत को लेकर सुनवाई की जा चुकी है। बता दें आपको कि 4 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट में उनके रिहाई को लेकर सुनवाई रखी गई और इस दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने उनके इस खास सुनवाई पर फैसला भी ले लिया, जिसे अभी फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। और बता दें कि इस फैसले की सुनवाई अगले शुक्रवार को होनी है। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि झारखंड हाई कोर्ट लालू की किस्मत को लेकर क्या फैसला लेती है, लालू आगे भी सजा काटते रहेंगे या फिर उन्हें मिलेगी रिहाई। अब तो ये बात शुक्रवार आने पर ही पता चलेगा जब झारखंड हाई कोर्ट में लालू की रिहाई को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। भोजपुरी सिनेमा के टाइगर और अपने कॉमेडी से सभी को हंसाने वाले कॉमिक हीरो मनोज टाइगर उर्फ बताशा चाचा ने हाल ही में एक फिल्म की जिसका ट्रेलर आप लोग जल्द ही देखेंगे और देख भी चुके होंगे, आप लोगों को पसंद भी आ चुका होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं बताशा चाचा की यही फिल्म यानी लागल रहा बताशा चाचा जल्द होने वाली है रिलीज। इस फिल्म का इंतजार दर्शकों में उसी समय से बन गया था जब इस फिल्म का पहला गाना छठ के मौके पर रिलीज हुआ और इस फिल्म को देखने की उत्सुकता दर्शकों में काफी ज्यादा हो गई थी। अगर आपको भी है इस फिल्म को देखने का बेसब्री से इंतजार, तो ले आए हैं हम आपके लिए एक खुशखबरी, क्योंकि इस फिल्म की रिलीजिंग डेट आ चुकी है सामने। दरअसल बताशा चाचा के साथ आम्रपाली की पहली बार जोड़ी बनी है फिल्म लागल रहा बताशा चाचा में और इस फिल्म की रिलीजिंग डेट आ गई है सामने। इसी महीने ये फिल्म रिलीज होने वाली है 25 तारीख को। जी हाँ,
25 जनवरी से ये फिल्म बिहार झारखंड में रिलीज कर दी जाएगी और इसी फिल्म के साथ निरहुआ की फिल्म भी रिलीज हो रही है। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि पहली बार लीड रोल में आई बताशा चाचा की फिल्म लागल रहा बताशा चाचा को लोग कितना प्यार देते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी खास खबरें जो इन दोनों काफी ज्यादा टॉप में है और हर कोई इन खबरों पर बड़ी ही बारीकी से नजरें बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया।